गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। प्रीवियस वीडियो वी कवर्ड अप टू इंट्रोडक्शन ऑफ नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सेकंड टॉपिक बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। थर्ड टॉपिक द इफेक्ट्स ऑफ द वार। फोर्थ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। फिफ्थ द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। सिक्स, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए थे। टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक्स। फर्स्ट है हिटलर्स राइज टू पावर। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमिक पोलाइट एंड सोसाइटी फ्रॉम द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फॉर्म, बीकेम एंड द अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द ट्रीटी मेक हिम फ्यूरियस। इन 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल टू बेबरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पावर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिम बिकेम अ मास मूवमेंट। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक कॉलप्स्ड एंड बिजनेसेस शट डाउन। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लासेस वर विद डिस्टिंक्शन। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपोगंडा स्ट्राइड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द जर्मन पार्लियामेंट बाई 1932। जर्मनी में इकोनॉमिक पोलाइट और सोसाइटी में क्राइसिस के कारण हिटलर की पावर राइज हुई। वह 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। ही स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम उसे आर्मी के लिए इनरोल किया और ब्रेवरी के लिए मेडल मिले। जर्मन की डिफीट से वह डरा हुआ था। वर्सलाई टीटी से बहुत फ्यूरियस था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। उसने इस पार्टी को कंट्रोल किया और इसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा गया। इस पार्टी को क्या बोला गया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी को नाजी पार्टी भी कहते हैं। दूसरा नाम इस पार्टी को दिया गया जो वो था नाजी पार्टी। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलाइज ट्रीटी एंड द रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रिस्ट ऑल फॉरेन अगेंस्ट जर्मनी। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिसीज। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टेड इन मास मोबिलाइजेशन। नाजी हेल्ड मैसिव रिलीज एंड पब्लिक मीटिंग टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड स्टिल अ सीम ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, द नाजी सॉल्यूट एंड द राउंड्स ऑफ आफ्टर द स्पीसीज वर ऑल पार्टी ऑफ द स्पेक्ट ऑफ द पावर। 1923 में हिटलर ने बर्बिया का कंट्रोल करने का
बर्बिया को अपने हाथ में उसने कंट्रोल किया और वह बर्लिन की ओर से मार्च किया। इसमें फेल हुआ और अरेस्ट किया गया। इसको बाद में 1930s के तहत नाजीज पॉपुलर सपोर्ट को मोबिलाइज नहीं कर पाए थे। ग्रेट डिप्रेशन के समय नाजिम एक बड़ा मोमेंट बनकर सामने आया। 1929 के बाद बैंक्स और बिजनेसेस क्या हुए, कोलॉप्स हो गए। वर्कर्स ने अपने जॉब लूजेस किए। मिडिल क्लास की बहुत बुरी हालत थी। इस सिचुएशन में नाजिम प्रोपोगंडा से लोगों में होप बढ़ी। 1928 में नाजी पार्टी को सिर्फ 26% वोट मिले। कितने वोट मिले थे? 26% वोट मिले थे। 1932 तक इसे 37% वोट मिले और यह जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बनी। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। उसने स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करने का प्रॉमिस किया और वर्सलाइज ट्रीटी को, इनजस्टिस को समाप्त कर जर्मन लोगों की डिग्निटी को रिलीज करने का प्रॉमिस किया। उसने फॉरेन इन्फ्लुएंस को रिमूव करना चाहा। हिटलर ने पॉलिटिक्स के नए स्टाइल को अपनाया। नाजीज ने विशाल और पब्लिक मीटिंग की ओर लोगों का सपोर्ट हासिल किया। नाजीज के रेड बैनर विद स्वास्तिका, नाजी सॉल्यूट और राउंड साव से अपनी पावर को बढ़ाया। नाजीज ने हिटलर को गन्ने के रूप में प्रोजेक्ट भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रिक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम आपको डिस्ट्रिक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर टू हिटलर। बाय नाउ द नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। हैविंग एक्वायर्ड पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। ए मिस्टीरियस फाइव दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेबरी फैसिलिटेट हिज मूव। द फायर डिक्रीज ऑफ 28 February 1933 आइडेंटिफाई सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली दैट हैव बीन गारंटेड बाई द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। Then he turned on his communist. Most of the home were hardly packed off the newly established camps. The repression of communists was severe. Out of the severing 6808 arrest fields of a small city of Harlem, million population, 1440 were those of communist alone. They were, however, only one among the 52 types of victims by the Nazis across the country. 30 January 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की हाईएस्ट पोजीशन थी उसे ऑफर किया। पावर में आने के बाद वहाँ जो डेमोक्रेटिक रूल को शुरू किया। February 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस फायर होने के बाद हिटलर का काम और इजी हो गया। वहाँ 28 February 1933 को फायर डिक्रीज लागू होने के बाद लोगों के सिविक राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस असेंबली जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद उसने जर्मनी के कम्युनिस्ट को नए कंस्ट्रक्शन कैंप्स में भेज दिया। कम्युनिस्ट को जोरों से दमन किया गया। ऑन 3 March 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास। दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड द रूल बाई डिक्री। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन एक्सपेक्ट और द नाजी पार्टी एंड इट्स द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक मीडिया आर्मी एंड जुडिशरी। स्पेशल एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर केटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एक्साइटिंग रेगुलर पॉलिसीज इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसे ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स दीज इंक्लूडेड द गेस्टो
इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द दीज न्यूली ऑर्गेनाइज फोर्सेज दैट गेव द नाजी स्टेट इन रेपुटेशन एज द मोस्ट डीडेड क्रिमिनल स्टेट। 3 मार्च 1933 को फेमस एम्बेसलिंग एक एक्ट पास हुआ और इस एक्ट में जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश की। इस एक्ट ने हिटलर को पार्लियामेंट के साइडलाइन का सारी पावर्स दी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बैन किया और स्टेट में इकोनॉमी की मीडिया आर्मी और जुडिशरी पर पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। जर्मनी में स्पेशल और सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की गई जो नाजीज के अनुसार सोसाइटी को कंट्रोल करती थी। वहाँ पर रेगुलर पॉलिसी के अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स जिसमें कि क्रिमिनल पॉलिसीज शामिल थी, लोगों को गेस्टापो डिटेन और कंस्ट्रक्शन कैंप्स में भेजा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू हिज स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन and this people's car the in foreign policy also Hitler acquired quick success. He pulled out of the League of Nations in 1933, reoccupied the in the 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan one people one empire and one leader. He then went on to German speaking and from and globed up the entire country. In all of this he had the unspoken support of England which had considered the verdict too harsh. These quick success at home and abroad seemed to reverse the density of the country. Hitler did not stop here had as wide Hitler against investing his Lian rearrangement as the state still ran on the defect. Financing people however had no place in Nazi German, had to leave. Hitler chose war as the way out of economic crisis. Resources were to throw expansion of treasury and September 1939 Germany invaded Poland. This started a war with France and England in September 1940 and Tea Party Pact was signed between German, Italy and Japan stating Hitler's Islamic international power and the Euro. By the end of 1940 Hitler was the pinnacle of his power. हिटलर ने इकोनॉमिक्स रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी के इकोनॉमिक्स एंड को दे रखी थी जिसने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट का एम रखा जो स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत था। इस प्रोजेक्ट के तहत फेमस जर्मन सुपर हाईवेज और पीपल्स कार बनाए गए। फॉरेन पॉलिसीज भी जो हिटलर ने क्विक सक्सेस ज्वाइन की उसने 1933 में लीग ऑफ नेशंस से जर्मनी को अलग किया, 1936 में रीऑक्यूपाई किया, 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेटेड किया। उसने वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर का स्लोगन दिया। इसके बाद वहाँ जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लर्न फ्रॉम पूरा कंट्री को जर्मनी में शामिल किया। इन सभी से उसे इंग्लैंड का सपोर्ट था। हिटलर और जो आगे बढ़ता गया और उसने हिटलर को रीअर्नमेंट पर बहुत अधिक खर्च करने में मना किया क्योंकि जर्मनी उस समय डिफेंस फाइनेंसिंग पर डिपेंड थी। इसी कारण से हिटलर को कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ी। हिटलर को इस इकोनॉमिक्स क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए सिर्फ वार को ही रास्ता दिख रहा था। उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रिसोर्सेज को इकट्ठा किया।
सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया। इसे फ्रांस और इंग्लैंड से भी वार स्टार्ट हुआ। सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक ट्रिपार्टिक पैक्ट साइन हुआ, जिसे हिटलर का इंटरनेशनल पावर पर काम और मजबूत हुआ। यूरोप की लास्ट पार्ट में नाजी जर्मनी की सुपर्टी पपेट ऑर्गेनाइज को इंस्टॉल किया गया। 1940 के एंड में हिटलर अपनी पावर के शिखर पर था। हिटलर तब ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ा और उसका लॉन्ग टर्म एम था वह जर्मन्स के लिए फूड सप्लाई और लिविंग स्पेस इंश्योर करना चाहता था। उसने जून 1941 में सोवियत यूनियन पर अटैक किया और इस हिस्टोरिकल ब्लंडर में हिटलर ने अपना वेस्टर्न फ्रंट को ब्रिटिश रॉयल बम्बिंग के लिए एक्सपोज कर दिया। फाइनेंस ही इट हैड टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर एंड इन द वर्ल्ड। हिटलर की आइडियोलॉजी का दूसरा जो पार्ट था जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग स्पेस था। वह न्यू सेटलमेंट के लिए एक्वायर करना चाहता था। उसे जर्मन के नेशन का नेशनल रिसोर्सेज और पावर बढ़ता था। इस तरह से मैंने आपको जो भी टॉपिक्स आज समझाए, मुझे लगता है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा और चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा।